जिसके गायक सतपाल डोसा और संगीतकार वही जाने पहचाने बस्तीराम तूफान बैसाखी। दोस्तों कहानी उस समय की होगी जब नर सुल्तान को उसके पिता ने 12 वर्ष का दिसोता दे दिया। तो नर सुल्तान अपने घोड़े पर सवार होकर केलागढ़ में पहुंच जाता है और वहां उसकी मुलाकात राजा मग की लड़की निहालदे से होती है। तो उन दोनों की नजरें मिलते ही उनमें एक बहुत बड़ा प्रेम हो जाता है और यही बात चलते चलते यहां तक पहुंच जाती है कि उन दोनों की शादी हो जाती है। तो दोस्तों सुल्तान निहालदे से ये कहकर चल देता है कि मैं तुझे दिसोटा बीतने के बाद कीचकगढ़ ले जाऊंगा और निहालदे उसके इंतजार में 6 साल बिता देती है लेकिन वो नहीं आता। एक दिन कवर निहालदे की सखी उधा भाट की उससे मिलने आती है तो वह निहालदे का हाल देखकर चकित रह जाती है और पूछती है। तो निहालदे अपने दुख का हाल अपनी प्यारी सखी उदा भाटकी को किस प्रकार बताने लगी, क्या कहने लगी, कभी ने क्या लिख दिया वाला। अरे के बुझेगी दुखड़े मेरे शरीर के, मरी ठुके ताले लगे मेरी तकदीर के, तेरी हो मेरी तकदीर के बुझेगी दुखड़े मेरे शरीर के, ठुके ताले लगे मेरी तकदीर के, फिर हो मेरी तकदीर के। बाला जोड़ी बढ़ती बे माता ने लिखा जोग नहीं था, आज निर्भगने की डाल फिरूं मेरे कर्म में भोग नहीं था। जन्म लिया मने देखा सोग नहीं था, जान गई मेरा धन जो बनिए पिया के योग नहीं था। भला सावन बनके बरसे ने ननीर के, ठुके ताले लगे मेरी तकदीर के, हो मेरी तकदीर के।
जी तब यू मेरा और मिल गए सब अरमान धूल में करडाई का फेरा बीत गए छह साल पिया ने दुखी बोलता मेरा मरे कित छुप गए जाने राव मेरी जागीर के टूटे तारे लगे मेरी तकदीर के हो मेरी तकदीर के कर्मों का रोना ऐसा दुख दिया साजन ने पड़े रात दिन ढोना और मैं रह गई सिंगार सिंगर के काटो मिले बिछोना पन्हा पेट की कहूं तेरे से बड़े अब तन मन खोना मरे मर के दुखे छूटे अब बबला धीर के दुखे ताड़े लगे मेरी तकदीर के आत्मा मेरी पर अब जीना दुश्वार जगत में साजन होगा बेरी तीजो के दिन सड़ रच दूंगी करूं जान की ढेरी हर वीर कहे अब दिन नेड़े आखिर के